जय हिंद साथियों। रणजीत सागर बांध यानी RSD झील में सेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव को क्रैश हुए पूरा एक महीना हो गया है, लेकिन अभी तक को पायलट कैप्टन जयंत जोशी और हेलीकॉप्टर के अधिकांश हिस्सों का पता नहीं चल पाया है। सेना की तीनों विंग और विशेषज्ञ यानी आर्मी, एयरफोर्स व नेवी सहित NDRF की अलग अलग टीमें लगातार झील में उतरकर जांच कर रही हैं। इधर काम में हो रही देरी पर कर्नल जयंत जोशी के स्वजन सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 3 अगस्त को मामून कैंट से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जो कि एरिया में घने जंगल और झील के इर्द गिर्द एरिया में रूटीन में प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह करीब 10:50 का समय होगा जब यह हेलीकॉप्टर इस झील के लेवल से काफी नजदीक था, और इसी बीच अचानक इस हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह क्रैश हो गया। जम्मू और पंजाब की टीम RSD झील के अलग अलग स्थानों पर जांच कर रही है। RSD में विजया जहाज यानी बेड़ा के माध्यम से जांच की जा रही है। सेना व NDRF के गोताखोरों की विशेष टीमें एक माह से कैप्टन जयंत की तलाश कर रही हैं। खोज में जुटी टीमों का कहना है कि झील में गाद यानी दलदल मुख्य समस्या बन रही है। इसके अलावा झील के 60 मीटर से आगे जा पाना भी मुश्किल है। ऐसे में कैप्टन जयंत जोशी व हेलीकॉप्टर का पता लगाने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। झील के पास J&K एरिया में आती जमीन पर अपने पशुओं को चरा रहे एक युवक ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने का वीडियो भी बनाया था। लड़के ने वह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया था। वीडियो में दिख रहा है कि दुर्घटना से पहले हेलीकॉप्टर झील के बिल्कुल नजदीक आ गया था और वह झील के पास राउंड लगा रहा था कि इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे झील में चला गया। इस घटना में 3 अगस्त को RSD झील में क्रैश हुए सेना के हेलीकॉप्टर में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत सिंह बाट का शव 15 अगस्त को खोजी टीम ने ढूंढ निकाला था। लेफ्टिनेंट कर्नल अभी सिंह भाट का गुरुद्वारा संहिता साहिब के नजदीक स्थित शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। पार्थिव शरीर को 13 वर्षीय बेटे अहरान ने मुखाग्नि दी थी। इधर घटना के एक माह बाद भी कैप्टन जयंत जोशी का पता लगाने में सुरक्षा कर्मियों को सफलता नहीं मिली है। कैप्टन जयंत जोशी मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के रहने वाले हैं। इस समय उनका पूरा परिवार दिल्ली में है। कैप्टन जयंत जोशी की माता जीवन तारा जोशी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। वहीं पिता हरीश, बड़े भाई नील जोशी व मां जीवन तारा जोशी अभी भी जयंत जोशी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उनका बेटा अभी भी सही सलामत होगा। D News परिवार भी ईश्वर से यही कामना करता है कि कैप्टन जयंत जोशी सकुशल मिल जाए। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।